असल टू एयर स्टूडेंट्स क्लास आम युवर हस्ट्री टीचर सजाद अहमद हलिंग वेल एट युअर होम्ज सो फॉर एसडेज फर्स्ट लेक्चर इज कंस वी आर गोइ टू टच नप्टर आफ युअर सविक्सपोलशन देट इज चप्टर नंबर फोर की एलमेंट्स डेमोक्रेटिक गंट यानी कि जमहूरी निजाम केलीदी आंसर

और इसकी जगह लेने की सलाहत है वी ऑलरेडी नो डेमोक्रेसी इज़ अ मीन्स फॉर पीपल टू चूज़ देयर लीडर्स एंड टू रिप्रेजेंट देम इन वेरियस लेवल्स यानी कि हम पहले ही ये जानते हैं कि जमहूरियत लोगों के लिए अपने रहनुमाओं का इंतखब करने और मुख्तल सतहों पर उनकी नुमाइंदगी करने का एक जरिया है ना वी विल रीड द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी वाई इज़ पीपल्स पार्टिसपेशन इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी यानि कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं जमहूरीत के अहम आंसर और लोगों की शमूलियत क्यों ज़रूरी है जमहूरीत में डेमोक्रेटिक गमेंट इज वेरी पॉपुलर इन द मॉडर्न वर्ल्ड एज इट इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ ऑर्डीनरी पीपल हुई दिवंगज नॉट वर्क एफिशेंटली यानी कि जदीद दुनिया में जमहूरी हुकूमत बहुत मकबूल है जैसा कि ये आम लोगों की ताकत पर मबनी है जो हुकूमत का इंतब करके और इसे उस वक्त हटा कर अपनी आला ताकत का मुजाहरा करते हैं जब वो मौसर तरीके से अच्छे तरीके से काम नहीं करती है देर आर मेनी की एलिमेंट्स विच इंफ्लेंस दर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दीज एलिमेंट इंक्लूड पार्टिस द रेजुलेशन ऑफ कंफ्लिक्टवेलिटी एंड जस्टिस जमहूरी हुकूमत के बहुत से अहम अनासर हैं जो इसके काम काज पर असरअंदाज होते हैं इन अनासर में लोगों की शिरकत तनाजात का हल मसावात और इंसाफ शामिल हैं पार्टिसिपेशन थ्रू एलेक्शन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गोर्मेंट ऑफ पीपल पीपल फॉर्म दिस गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन प्रोसीजर पीपल है कंट्री यानी कि इंतबात के जरिए शिरकत जमहूरी हुकूमत आवाम की हुकूमत है इंतबी तरीक़ार के जरिए इस हुकूमत के लोग लोगों को मुल्क की हुक्मरानी में हिस्सा लेने का हक हासिल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंशोर द राइट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल पीपल इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिवज़ हु फॉर्म द गमेंट यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ लोगों के हक या शिरकत को यकीनी बनाती है लोगों ने अपनी नुमाइंदे मुंतखब किए जो हुकूमत बनाते हैं किसके ज़रिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ के ज़रिए जब सारे एजल्ट वोट करते हैं तो फिर वो अपने लीडर्स को चुनते हैं और वो लीडर्स फिर क्या बनाते हैं हुकूमत बनाते हैं The government serves for a term of फाइव years. और ये हुकूमत लोगों की खिदमत कितने साल तक करती है पाँच सालों तक यानि कि पावर में कितने सालों तक रहती है पाँच साल तक After every फाइव years, elections are held again. This time period varies country to country. हर पांच साल के बाद इंतबात दोबारा होते हैं लेकिन ये जो मुद्दत होती है ना ये हर मुल्क में मुख्तलफ होती है इट वेरीज़ फ्राम कंट्री टू कंट्री कहीं पर चार साल होते हैं कहीं पर तीन साल होते हैं कहीं पर पाँच साल होते हैं गर्ज है कि ये हर जगह सेम नहीं होती हमारे हिंदुस्तान में पाँच साल है अमेरिका की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे तीन साल है Through the election, people get the opportunity to express their will and elect the representative of their choice. If a government does not work according to the expectations of the people, they have the right to change the government by casting their vote in favour of other candidates. agar Mutabik to logunke ye लोगों के पास ये पावर है कि वो इस सरकार को तब्दील भी कर सकते हैं किस तरीके से क्योंकि वो अपने वोट के पावर से किसी दूसरे नुमाइंदे को चुन सकते हैं इन दिस वे पावर ऑफ़ द पीपल कम्स इन एक्शन और यहाँ पे पता चलता है कि लोगों के पास कितनी ताकत है जब लोग अपनी ताकत दिखाने पे आ जाते हैं गोर्मेंट टेक्स हुकूमत जो होती है वो लोगों से मशवरा करके क्या लेती है डिसीजन लेती है मशवरे करती है गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दिल ऑफ द पीपल हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकती जिसमें लोगों की रजामंदी ना हो अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन द गोरमेंट इज इलेक्टेड आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स अब आपने ये सीखा कि हर पाँच साल के बेहद हुकूमत को चुना जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड और इस मुद्दत में क्या होता है देर्स नीड टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट लिंक बिटवीन द गोरमेंट एंड पीपल और इन पांच सालों में हुकूमत को लोगों के साथ मिल के चलना होता है सो द पीपल कैन पुट एंड आई ऑन एवरी फंक्शन ऑफ़ द गमेंट ताकि लोग हुकूमत की हर एक फंक्शन पे काम पे नज़र रख सके बिसाइड्स एलेक्शन देर आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एलेक्शन के बग़ैर भी इंतबात के बग़ैर भी दूसरे तरीके कार है जिससे हुकूमत का हिस्सा हुकूमत के कामों में लोग पार्टिसपेट कर सकते हैं शमूलियत कर सकते हैं अब आप पेज नंबर टू थर्टी फोर पे आइए पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन इश्यूज एंड मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड वेलफेयर पब्लिक ओपिनियन का ही मतलब है राय आमा या आवाम की राय यानी कि पब्लिक ओपिनियन ये लोगों का ओपिनियन होता है लोगों की राय होती है किन मसलों पे और किन मामलों पे यानि कि वो मामलत वो इशूज़ जिन पे आवाम को तशवीश लाक होती है या जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं उन मसलों पर सरकार किन से ओपिनियन लेती है पब्लिक से ओपिनियन लेती है यानी कि लोगों से मशवरा लेती है डिबेट्स होते हैं डिस्कशंस होती है, और फिर जब लोगों से उनकी राय पूछी जाती है तो मसलों का हल निकल कर आता है पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी पब्लिक ओपिनियन इज मेड वन पीपल पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाई टेकिंग इंटरेस्ट यानी कि राय अमा अक्सरियत की राय है राय आमा इस वक्त बनाई जाती है जब लोग इसमें दिलचस्पी लेकर हुकूमत के काम में हिस्सा लेते हैं नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन कोई भी हुकूमत राय रामा को नजरअंदाज नहीं कर सकती एनलाइटनड एंड वेल इंफॉर्मड पब्लिक ओपिनियन इज नेरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी दियर आर मैनी कैन एक्सप्रेस दियर डिसअप्रूवल ऑन एनी इशू यानि कि जमहूरियत की, की कामयाबी के लिए रोशन ख्याल और बबर राय आमा जरूरी है ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे लोग किसी भी मसले पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं रैलीज स्ट्राइक्स कैंपेन्स यानी कि रैलियां हड़तालें और कैंपेनिंग पीपल कैन शो देयर डिसअप्रूवल एंड डिसकेशन इन द फॉर्म ऑफ रेलीज एंड स्ट्राइक्स यानी कि जब लोग सरकार की हुकूमत के काम काज से खुश नहीं होते हैं तो वो अपनी नाराजगी का इजहार किस तरह से करते हैं रेलीज और हड़ताल के जरिए यानी कि वो जल्द से जुलूस निकालते हैं और हड़ताल की काल देते हैं रेलीज और मास पब्लिक मीटिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक्शन और इफोर्ट यानि कि जो रैलियां होती है ना, ये लोगों का एक हजूम होता है ये सियासी पार्टियों के हक में भी होती है क्यों ताकि वो लोगों से किए गए वादों पे अमल दरामद हो वो अपनी कोशिशों को रंग दे यानि कि पूरा करे एम्प्लॉज समील सेटिसफाइड विद द पॉलिसी ऑफ देयर एम्प्लॉय कहते हैं कि कभी कभार मुलाजमी जो होते हैं वो अपने अफसरान की पॉलिसीज से खुश नहीं होते हैं डिसटिस्फिकेशन बाई टीज एंड गो ऑन स्ट्रैक्स इन स्ट्रैक्स पीपल रिफ्यूज टू वर्क और जब वो अपने अफसरान की पॉलिसी से खुश नहीं होते हैं तो वो अपनी नाराजगी का इजहार किस तरीके से करते हैं वो जल से निकालते हैं यानी कि जुलूस निकालते हैं और बंद की कॉल देते हैं और वो पेन डाउन स्ट्राइक करते हैं यानी कि वो काम काज से टोटली इनकार करते हैं तो प्यारे बच्चों आज के इस पहले लेक्चर में इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा अब जब आपको कहीं पे समझ ना आया हो या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए वहाँ पे कमेंट कीजिए कमेंट नहीं तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए बाकी वसलम असलकम वरह वबरको फी अमानल